समाचार प्लस ने उठाया काम कुटिया से पर्दा, पाखंड का पुतला हवस का पुजारी, बाबा के भेष में बाराबंकी का व्यभिचारी, कितनी ही महिलाओं की आबरू उतारी, आखिर कब होगी परमानंद की गिरफ्तारी, धर्म संसद में पाखंडी परमानंद पर बहस। तो पाखंडी का पाप ऐसा कि स्क्रीन पर उसे दिखाया भी नहीं जा सकता, लेकिन परमानंद ने तो लाल लिहाज कब का बेच दिया। मुकदमों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन उसके बाद भी कानून के लंबे हाथ परमानंद से दूर है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, आबरू के साथ अटखेलियां करने वाले ढोंगे परमानंद की पाप की लंका अभी मूंछ उड़ा रही है, और कब इसका दहन होगा ये बहस का विषय है, क्योंकि खुद अफसर से लेकर नेता तक इसकी चिरौरी करते हैं, इसकी चौखट पर माथा रगड़ते हैं। तभी तो जिस चौखट पर धर्म चर्चा होनी चाहिए वहां असल में अश्लील डांस होता है। चार तस्वीरें अब आ चुकी हैं, आश्रम को भोग भवन बनाया हुआ है पाखंडी परमानंद ने, तो नेता अफसर चेले हैं इसके। धार्मिक कार्य में अश्लील नाच होता है वो आप देख पा रहे हैं, और ड्रामे का मास्टरमाइंड है ये बाबा परमानंद के राजसी ठाट भी एक तस्वीर में नजर आते हैं। जब दुनिया के डॉक्टर हार जाते हैं तो बाबा जी की वहां जीत होती है। तो परमानंद का पाखंड तो सबके सामने आ चुका है, लेकिन धर्म के काम में और माता के दरबार के नाम पर पाखंडी की एक और पाप लीला आपको दिखाते हैं। तो गीत के बोल हैं सबसे बड़ा है मेरा परमानंद बाबा, लेकिन क्या बड़ी हरकत इसने की ये भी हम सब ने देखा। बेहद नजदीक से समझेंगे हर पहलू को आज इस बड़ी बहस में। धर्म संसद में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच एस रावत जो हिंदू धर्माचार्य हैं, जेके बेनिवास साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्माचार्य हैं, दीपा शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं हिंदू धर्माचार्य, मौलाना साजिद रशीदी साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष AII के हैं, पंडित सुरेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्माचार्य हैं, शबनम खान जुड़ रही है मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, और लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, लखनऊ से आसिम वकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए। लेकिन सबसे पहले दीपा जी, पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर आप क्या समझ पाती हैं, क्योंकि इस बाबा की जो शिकार हुई है वो महिलाएं हैं, पैदा बच्चा होगा इसकी गारंटी है अगर इस बाबा के पास कोई महिला जाती है। सबसे पहले तो उन महिलाओं को सामने आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट तभी हो पाएगा जब कोई सामने आकर बोलने वाला हो, क्योंकि फुटेज देखकर खाली सिर्फ एक ही तरफ की बात कहना भी कहीं मुझे समझ में नहीं आता है। गुंजाइश है क्या दीपा जी, फुटेज देखने के बाद गुंजाइश है क्या? इसलिए हो सकती है क्योंकि जो महिलाएं पीड़िता है, क्योंकि एक या दो महिला की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी महिलाएं इनके पास गई होंगी, और अगर ऐसा कुछ है जैसा कि हम सुन रहे हैं तो उन महिलाओं को सामने आना चाहिए। अगर वो सामने आकर कहती है कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है, तो फिर इस बात को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। रावत जी, ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है क्या? दीपा जी, ऐसा है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पर लोग अपनी इज्जत बेच के खा गए, अपने धर्म को बेच करके खाने पे तुले हुए हैं, और जब सरकार के साथ या ऐसे लोगों के साथ भ्रष्टाचार के साथ ऐसे लोग जब मिल जाते हैं, अगर महिला सामने आ भी जाए तब भी कौन सुनेगा उनकी? बहुत सारे केस पीछे ऐसे हुए जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इनकी पहुंच इतनी पावरफुल होती है, इतनी पहुंच पावरफुल होने के बाद कुछ होता ही नहीं है। तो वहां महिला जाए भी, अपनी इज्जत खराब भी करे, और उसके बाद उसी की अगर थूतू हो जाए
तो भी उचित नहीं है। नहीं, पर सवाल ये भी नहीं, रावत जी क्यों आए महिला सामने, ये क्या प्रूफ काफी नहीं है? प्रूफ तो ये भी बहुत जबरदस्त है, हम बचाने की कोशिश क्यों करते दिखाई देते हैं? हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह के कलंक हैं और हिंदू धर्म के धर्माचार को ऐसे लोगों की छटनी करनी चाहिए, समय समय पर इनका कम से कम व्याख्यान लेते रहना चाहिए कि कर क्या रहे ये लोग, कहीं ना कहीं ये सन्यासी तो बन जाते हैं उसके बाद क्या चल रहा है, ये हमारी कमी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हिंदू धर्माचार होने के कारण हमारी ही गलती कहीं ना कहीं है कि इस तरह के जो लोग पैदा होते हैं जो धर्म को कलंकित कर रहे हैं और धर्म बदनाम होता है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जितना जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजा जाए उतना ही पंडित सुरेंद्र जी। भगवा चोला धारण किए कोई शख्स अगर सामने आता है तो खुद ब खुद उसके चरणों में सर झुक जाता है, श्रद्धा खुद ब खुद पैदा हो जाती है, लेकिन अगर इस तरह का शख्स इस तरह का कुकृत्य करता है तो जो बाकी भगवा धारण करते हैं सवाल उन पे उठ जाएंगे सर। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए इससे तो हमारे जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण हैं, जो भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उन सबसे ही विश्वास उठ जाएगा। और इस जगह इस तरह का कृत्य करने से जो सत्य का मार्ग दिखाने वाले जो हमारे धर्म गुरु हैं, ब्राह्मण पंडित लोग हैं, उनसे भी जो है विश्वास उठ जाता। तो ये सही कहा है अभी जो कहा है कि धर्म को बेचकर, और मन बड़ा खराब होता है, बड़ा विचलित होता है जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो हमें बड़ा ही बहुत ही मन अप्रसन्न होता है, कष्ट होता है। तो इस तरह की बात नहीं, और इनके खिलाफ शीघ्र एक्शन लेना चाहिए। और मेरी मेरी एक विनती उनसे भी है, महिला समाज के जो भी सफरर हैं वो सामने आए, वीरता से आए और जाकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा समाज उनके साथ है। दीपा जी बतौर महिला क्या इतना आसान होता है, ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल होता है, देखिए अगर आप महिला हैं और अपने आप को अगर सशक्त करके मजबूत करके सामने आती है तो ऐसी ताकत नहीं है। शबनम लगातार इस तरह की महिलाओं से मुखातिब होती है। शबनम, पहले महिला के साथ अत्याचार हो जाना और फिर उस महिला का हिम्मत जुटाना, वो भी ऐसे शख्स में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसके चौखट पे नेता से लेके अफसर तक हर कोई माथा रगड़ता है, इतना आसान है कि जो जिसका जिक्र दीपा जी कर रही हैं। घनश्याम जी कहना तो बहुत आसान लगता है और बहुत इजी लगता है कि औरत उठेगी घर से और जाके कंप्लेंट दर्ज करा देगी, लेकिन मुझे जितना मैं जमीन पर देखती हूँ कितना मुश्किल होता है थाने के अंदर जाके किसी बड़े व्यक्तित्व के, वो भी इस तरीके के जो साधु संत हों, इनके बारे में जाकर कोई कंप्लेंट दर्ज कराना। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या ये जो इतने साल से ढोंगी पंडित इस तरीके के या मौलाना जो भी ये सब चीजें कर रहे थे, क्या हमारा पूरा प्रशासन सोकर बैठा था? क्या उनको नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर ये सब भी हो रहा होगा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मिली भगत रहती है। अभी आप ही की क्लिपिंग में मैंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी बढ़ चढ़कर उनका बखान कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ हाँ आइए, इनके यहाँ जरूर बेटा ही पैदा होगा, बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे अधिकारियों पर भी जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, उन्हें भी इसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके के लोगों को पनपाते रहेंगे, चाहे वो आसाराम बापू हो चाहे वो परमानंद जी हो। और मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी समाचार प्लस का कि उन्होंने परमानंद जी की हकीकत खोली, इससे और महिलाएं कम से कम इनके शिकंजे से बच पाएंगी। बेनीवाल साहब, बहुत आदर्श स्थितियां हम टीवी डिबेट्स में बैठ के गिना देते हैं कि ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा हो जाता, सूरज पूरब से निकल जाता तो रोशनी ऐसी आ जाती, लेकिन ये चीजें क्या वाकई व्यवहारिक हैं? क्या हिम्मत दिखा पाना वो भी ऐसे शख्स के खिलाफ जो इतना पावरफुल है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो। घनश्याम जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश में बड़ी ये विडंबना है कि हमारा सारा समाज, हमारे सारा तंत्र मंत्र लगा पड़ा है और बड़े बड़े ट्रस्ट बन जाते हैं, एक ये बड़ी बड़े एक साजिश के तहत होता है। एक छोटा सा बाबा गांव से निकल के आया, कहता मैं तो भूखा मर रहा था और आज ट्रस्ट में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेता है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो सबसे पहला है तो मैं एक पहला कहना चाहूंगा जो आपकी क्लिपिंग देखे है, ऐसे ढोंगी बाबाओं को, भेड़ियों को पकड़ के सबसे पहले तो अंदर करना चाहिए, उनका आश्रम सील करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, वहां की जनता को मैं ये कहना चाहता हूं, ये सन्यासी की परिभाषा कोई जानता है? और अगर जानता है तो मानता है सन्यासी क्या होता है? सन्यासी के पास तीन चीज होनी चाहिए घनश्याम जी, एक कमंडल, एक दंड और एक लंगोट, और उसके बाद में पेड़ के नीचे जंगल में एकांत में रहना चाहिए। ये बाबा लोग आके घृष के आश्रमों के पे
इसके पास तो वो केवल बाबा जाता है तीन दफे, बोलता है भिक्षाम देई भिक्षाम देई भिक्षाम देई। अगर तीन बार में भिक्षा नहीं मिलती तो अबाउट टर्न जंगल में जाके भूखा पेड़ के नीचे सोए, ये सन्यासी परिभाषा है। ये सन्यासी नहीं है, ये भोगी है, भोगी है, भोगी। अरे ऐसे भोगी को सक्सेस अपराधी कैसे आएगा? कोई शख्स परमानंद के पास में जाके बेनीवाल साहब के पास आ जाए तो कैसे समझ आ जाएगा कि बेनीवाल साहब के अंदर कोई परमानंद नहीं छिपा है? वो समझ कैसे आएगा सामने से? सर ये बता दीजिए। ये बात आपकी बहुत अच्छी कही घनश्याम जी। इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में बड़ा मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ, ये परंपरा है। लेकिन आप ये नहीं जानते सतयुग त्रेता द्वापर, और ये कलयुग है। कलयुग में कोई संत कोई भी हो मन को काबू में नहीं रख सकता। बड़े बड़े संत, ये तो बड़ा रिस्क है सर, ये तो बड़ा रिस्क है, ये तो बड़ी बात कह दी रावत साहब, ये तो बड़ी बात कह दी। यानी कि हर भेष में जो चोगा पहना हुआ है उसका मन डगमगा जाएगा, इसकी गुंजाइश हमेशा आपको गुंजाइश हमेशा है। फिर इसका मतलब आपको ये बात करनी पड़ेगी कि मनुष्य को कल हमारा एक नहीं नहीं रावत जी, फिर तो मन बहने की गुंजाइश है। बेनीवाल साहब ऐसा नहीं है, सबको एक ही डंडे से मत हांकिए। नहीं कह दे रहा हूँ कलयुग है सर, फिर परमानंद की क्या गलती? फिर परमानंद की क्या गलती सर? परमानंद की गलती ये है कि ऐसा व्यक्ति जो ढोंग और पाखंड के नई नई टिप्स तैयार करता है और वहाँ की जो पब्लिक होती है उसको ठगने के जो सर आप लार्जर स्केल पे तस्वीर देखिए रावत साहब, आप लार्जर स्केल पे तस्वीर देखिए ना, डॉक्टर एच एस रावत और बेनीवाल साहब कैसे अलग हैं परमानंद से, ये कैसे प्रूफ होगा सर? ये प्रूफ कैसे होगा? सुनिए पब्लिक कहाँ है, जनता कहाँ है, सीआईडी कहाँ है, सरकार कहाँ है? पब्लिक के ऊपर बोलते हैं अपना अपना पर्स खोल लीजिए वर्षा आएगी। नहीं सर गुंजाइश बता दी ना आपने, आप गुंजाइश बता रहे हैं बैठ के, ये बता रहे हैं टीवी डिबेट में बैठ के, ये बता रहे हैं। शबनम रिस्पॉन्ड करिए, शबनम रिस्पॉन्ड करिए, ये किस तरह की गुंजाइश है? दीपा जी आप ये गुंजाइश क्या है, ये क्या गुंजाइश है? ऐसे लोगों का जो हम फंडा फोड़ करते हैं आपके सहयोग से, चैनल में बैठ मौलाना और पंडित ये कहते हैं कि नमाज बराबर में पढ़ोगे तो हमारा मन डोल जाएगा। फिर ऐसे ही परमानंद इनके अंदर भी छुपे हुए। रशीदी साहब रिस्पॉन्ड करिए, आप पे आरोप शबनम का ये ठीक है। दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक माफी के साथ आपको हाँ कहिए। घनश्याम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है हर टीवी के ऊपर ऐसे लोगों को जो पाखंड कर रहे हैं, अपने घर में बोलते हैं ये पाखंड बेच रहा है और फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा। कोई सरकार दीपा जी हमारे जैसा कोई व्यक्ति ठीक है उठाते हैं आवाज दीपा जी हो रहे होते हैं। ठीक है रावत जी, इसलिए पता लगता है पाखंडियों का और पाखंडी अपना जाल फैलाते हैं, इसलिए पता लग जाता है, लेकिन हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती। दीपा जी नहीं नहीं दीपा जी पर दीपा जी ये पर नहीं 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 पर ठीक है आप एक्शन लो। एक मिनट जब आप देख रहे हो पर्स खुलवा कर वो वर्षा करवा रहा है, ये तो हमारी आस्था है कि हम आस्था से जुड़कर हर एक की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। आप जैसे जो गुरु हैं, जो धर्म गुरु, मैं तो किसी को धर्म का गुरु नहीं मानती हूँ, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? सही बात है, आप लोगों को ऐसे लोगों पे रोक लगाएंगे? बात बढ़ा रहा हूँ, यही से आगे बात बढ़ा रहा हूँ। दीपा जी आप धर्म गुरु हैं, मैं मान सकता हूँ इस ठीक है धर्म का कोई गुरु नहीं होता। चलिए मान लीजिए कि आप धर्माचार्य हैं, धर्म का ज्ञानी है, लेकिन इसी फर्टर्निटी से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पे आप संबंध भी रखती है। लेकिन दीपा जी आप एक महिला भी है ना, अगर बेनीवाल साहब कह रहे हैं ये कलयुग है और हर किसी में इस तरह की गुंजाइश है, तो फिर तो हर शख्स शक के घेरे में है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, गुंजाइश है क्या? नहीं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, देखिए इस तरह से सर वो कह रहे हैं ना, इस तरह से साहब आप रिस्पॉन्ड करिए, ये तो गुंजाइश है नहीं हो सकते। ये जो समाज को बदल रहा है अभी इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो आपके चैनल पर लाइव कह रहे हो कि बराबर में महिला खड़ी हो जाएगी तो मन डोल जाएगा। मौलाना साहब रावत जी त्याग वाले भी व्यक्ति हैं, वरना धरती अब तक पाताल में घुस जाती। बिल्कुल पंडित जी देखिए बात सुनिए, पर डरा भी रहे ना, आपकी मन बहक सकता है हमारा, बता भी रहे ना मैडम। नहीं नहीं देखिए बात सुनिए मौलाना साहब, हमारे यहाँ इसीलिए सन्यास नाम की कोई चीज नहीं है। एक इंसान का सन्यास क्या होता है? इंसान का सन्यास ये है कि आदमी लोलीन हो जाए भगवान के लिए, खुदा के लिए,
खुदा को समझने लगे, भगवान को समझने लगे। जो आदमी भगवान को समझेगा, खुदा को समझेगा, वो इस तरह के पाखंड कर ही नहीं सकता। ये जो लोग पाखंडी हैं, ये दुकानदार हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको आप धर्माचार्य नहीं कह सकते। धर्माचार्य कहना भी इनको पाप है, इनको पाप है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ रावत जी, सुन लीजिए। अरे रावत जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। वो दुराचारी और व्यभिचारी, आप सुन लीजिए ना मेरी बात का जवाब। अरे सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप संन्यास को गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज देखिए रावत जी, सुनिए, आप क्या रेप करता है? रावत जी सुनिए, वो क्या है? रावत जी ये भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है। सैकड़ों साधु संत, उसको संस्कार होते हैं, क्या उसको संस्कार दिए जाते हैं? आपको संस्कार दिया जाता है? क्या बात कर रहे हैं? किस रेप केस में हो? अरे हजारों फंसे हुए, हजारों फंसे हुए, रोटी को परिस्थिति को प्रेशर आते हैं। क्या संन्यास है यार? क्या बात करते हो? ये तो लोगों को ठगने का काम है। नहीं देखिए, ये देखो उपाध्याय जी, इस प्रकार के तत्व तो हर एक धर्म में हो सकते हैं। ऐसे बैड एलिमेंट क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सब में है। पादरी भी हो सकते हैं। ये इस बात को इशू प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बने। नहीं, मैं नहीं समझता धर्म की सरकार है। आप बिल्कुल रावत जी, रावत जी रावत जी ये नहीं सिखाता कि ऐसे रावत को आप अल्लाह को जानते हैं सर। रावत जी धर्म नहीं सिखाता, इस बात किया है। धर्म ये कहता है कि भगवान को पहचानिए। आप भगवान को इंसान को भगवान बना लेते हैं, इसलिए वो भगवान बनकर आपके साथ दुराचार करता है। आप भगवान मत समझिए उसको, आप इंसान समझिए। इंसान समझकर दूरी बनाए। रशीदी जी का जवाब देना चाहूंगा। आपने ये कहा आप हमारे यहाँ संन्यास परंपरा है, आपके यहाँ नहीं है। हमारे घनश्याम जी, मुझे कुछ इजाजत एक मिसाल बताइए, कोई जेल में हो मौलवी, बताइए एक मिसाल। मैं जवाब देता हूँ, एक नाम बता दीजिए। रशीदी साहब के सैकड़ों नाम बता दीजिए। धर्माचार्य होता है वो सब ये पाखंड करता है। अरे कुंभ मेले में आप देखिए, आप कुंभ मेले की तस्वीरें उठा के देखेंगे क्या पड़ा हुआ है। शर्म आती है हमें देखे, हमारी माँ बहने यूट्यूब देखी है, क्या है उसके अंदर। बाबा जो है गाड़ियां खींच रहे हैं, उठा रहे हैं। आप मुझे बताया कि वेद में लिखा है नरक होना? अरे आचार्य प्लीज जी, सबको आप इस तरह मत कहिए। रशीदी जी आपसे, आप सभी को मत कहिए। आपने धर्म को मजाक बना के रखा है। सभी धर्मों में व्यभिचारी है। ये डिबेट बिल्कुल डबल डिबेट कर रहे हैं महात्मा पे। मुस्लिम डिबेट नहीं, आप हिंदू मुस्लिम को डिबेट करने जा रहे हैं। महिला का शोषण होता है, उसको शोषण कैसे कह सकते हैं? मैं रशीदी जी को बता दूं, सब रखिए ना यार, अभी अकल आ गई लोगों के कपड़े पहनने की। मैं रशीदी जी को जवाब दे देता हूं, अकल नहीं थी। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। शांत नहीं होंगे प्लीज, ऐसे नहीं। दीपा जी, दीपा जी बहुत माफी की संन्यास जैसी कोई कारण नहीं है। प्रदेश में ये हो क्या रहा है? खुलेआम एक शख्स अपनी महफिल सजाता है, महिलाओं का उत्पीड़न करता है, एक से एक बड़ा अधिकारी वहां पहुंचता है और बाबा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भाग भी जाता है। सर जवाब देना होगा, कब गिरफ्तारी होनी जा रही है परमानंद की? लेकिन जिस तरह आप बहस करा रहे हैं, इस तरह तो कोई किसी का जवाब नहीं दे पाएगा। अब आप दीजिए सर, फिर शुरू हो जाएंगे, नहीं तो आप दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की आपराधिक मानसिकता का मामला है। ये हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं, किसी भी धर्म के मैं नाम नहीं लूंगा, हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं जो गंदी मानसिकता के होते हैं। दूसरी बात, मेरी दीपा शर्मा जी और शबनम जी बहन बैठी हैं, देखिए यहाँ बात आई थी महिलाओं की कि महिलाएं आगे आए। जिन महिलाओं की यहाँ हमारे समाज में बच्चे नहीं होते हैं, उनकी फैमिली पर उनका प्रेशर कितना ज्यादा उनकी महिलाओं पर होता है, ये वही महिलाएं समझ सकती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ये हम आप जानते हैं कि वो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, अपनी जिंदगी और अपनी शादी बचाने के लिए उन पर बहुत प्रेशर होता है।
उनको लोग इमोशनली और हर तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। लेकिन ये तो बढ़ावा देना होगा, मुझे बात करनी है। ठीक है, आपकी बातें एक जवाब भी गलत जगह जा रहे हैं, आप इतने बड़े नहीं हो। ये वो प्रोसेस जो लगातार डिस्टर्ब करती है। ठीक है आसिम भाई, देखिए ये बातें जो आसिम भाई, ठीक है आसिम भाई, देखिए समाज को क्या करना है। आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, समाज को तय करना है कि आसिम भाई संत कैसा हो, सुन तो लीजिए, समाज को तय करना है आसिम भाई उनका साथी कैसा हो। आसिम भाई हर कुछ एक मिनट, ठीक है घनश्याम जी कुछ नहीं कर सकते, आपके समाज को आप धर्म बचा करना है कि आपके साथ सरकार को आशय देता है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है सरकार को परमानेंट पैसा देना है कि बचाव कर। एक मिनट रशीदी साहब आ रहा हूँ, बेनीवाल साहब सब लोग सब रखिए, सुरेश जी, सुरेश जी आ रहा हूँ, आसिम भाई, आसिम भाई समाजशास्त्र की बातें बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, लेकिन मैं समाजशास्त्र जुड़ा सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपके अकाउंटेबिलिटी पूछ रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है इस खबर में सरकार कहां तक पहुंची है, कहां तक गिरफ्तारी हो रही है, सर गिरफ्तारी कब हो रही है, सुन लीजिए सर, ये बता दीजिए 5:30 बजे जिस वक्त गिरफ्तारी का मामला, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, राष्ट्रीय चैनल ने मुझे टेलीफोन करके अपने फोनों पर लिया और उन्होंने मुझे ये बताया, तो मैंने उस चैनल पर गारंटी के साथ ये कहा था कि अगर ये ऐसा दिखा रहे हैं आप तो मैं वादा करता हूं कि आज का सूरज ये डूबेगा और सुबह निकलने से पहले पुलिस कार्रवाई करेगी। कार्रवाई पुलिस ने हमारी कार्रवाई मुझे बता दीजिए, जांच दर्ज करने को कार्रवाई कहते हैं, कार्रवाई क्या हुई है मुझे बता दीजिए ना। रावत जी बात तो सुनिए तभी तो बता पाऊंगा आपको, बताइए क्या कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे ही टेलीविजन की वजह से परमानेंट ना होते तो शायद इस तरीके के पाखंडी ना पनपते, अगर सरकार में बैठे लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करते, क्योंकि मुझे फोन आ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया इतने टाइम से आपका प्रशासन क्या कर रहा था, आप अपनी वहां पर सारा आपको कुछ नहीं पता है, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता है, आप क्या जाने उत्तर प्रदेश के बारे में, कुछ खबर ही नहीं होती है, कैसी बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस जनाब, हमारे बाराबंकी के एसपी जनाब अब्दुल हमीद साहब ने इसको खुद संज्ञान लिया, 420 में मुकदमा दर्ज हुआ है, 68A1 जो आईटी एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, छापा मारा गया है सुबह से लेकर आसिम भाई, आसिम भाई आपकी जानकारी पांच बार पुलिस छापा मार चुकी है, पांच बार उनके ठीक है आसिम भाई, आपको शायद जानकारी नहीं है, आसिम भाई आपको जानकारी नहीं है, इससे पहले 9 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, ये 9 दर्ज करके क्या तोप मार ली सर, ये कौन सा तीर छोड़ दिया, उन 9 मुकदमों का बता दीजिए ना सर। अरे भाई घनश्याम जी, मुकदमे पहले दर्ज है, समाज क्या कर दिया, चार और आपने आपके चैनल के ऊपर बैठ कर मैं देख रहा था, कल मैं देख रहा था किस तरह से आपके चैनल पर बैठ कर एक धर्माचार्य जिसको कहते हैं आप लोग, किस तरह से परमानेंट की बात है, आसाम जैसे आदमी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और संत समाज के लोग बचाते हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप पहले के देखिए आप समाज सुधारना भी चाहते हैं कि नहीं सुधारना चाहते हैं। अरे भाई आपके नेता तो कह चुके हैं कि लड़कों से हो जाती हैं, तो आप कहां से कार्रवाई करेंगे, इस पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते आप, आपका तो बहुत रुख नरम है, आप क्या कार्रवाई आप करके देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ काम इस तरह, अरे हम अगर होते तो कर देते, अगर हम होते तो कर देते, देखिए जैसे हमारी आप हमारा उत्तर प्रदेश में आइए और आप की जाना के देखिए हमारी क्या कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अभी हमारे बता रहे हैं सामने करा आपका महिला है, महिला बेचारी को हिम्मत करनी पड़ती है कि वो जाए पुलिस स्टेशन में कैसे जाए, बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे आपका भी दिखाया आपने वीडियो क्लिप, पुलिस वाला भाषण दे रहा है, मार महफिल सज रही है, ऐसा ही पाखंडी जितने लोग हैं ये बड़े बड़े ट्रस्ट बना के, जैसा कि 9 मुकदमे दाखिल हैं, देखिए पकड़ लिया गया, 9 मुकदमे आज से पहले तो पीछे भी कुछ ही समय पहले सरकार के अंडर ही उसने इतनी बड़ी फौज बनाई थी, पुलिस इतने दिन जद्दोजहद करती रही थी, उसको पकड़ नहीं पाई थी, वो भी सरकार के अंदर ही हुआ था सारा काम, तो सरकार की दलीलें ना दी जाए तो एक्शन नहीं हुआ घनश्याम जी, उस बाबा पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर सवाल ये भी उठ जाता है दीपा जी, ये हर बार सवालों में हिंदू धर्माचार्य ही क्यों होते हैं जिसका आरोप मौलाना जी लगा रहे हैं। तो ये बहस लगातार हो रही है और बहस बेहद गर्म है और लगातार यही बात उठती आ रही है कि ये हिंदू धर्माचार्यों पर आरोप ही क्यों लगते हैं। लेकिन शबनम, जिस तरह से मौलाना रशीद साहब कहते हैं कि ये सिर्फ सारी चीजें हिंदू धर्माचार्यों के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं, यानी मदरसे मस्जिद तो पूरी तरीके से इन चीजों से अछूती हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं होता है क्या?
नहीं घनश्याम जी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म में सारे जितने भी संत महात्मा हैं वो सब ये सब कर रहे हैं। मौलाना भी पकड़े जाते हैं, मदरसों में भी बहुत बच्चियों का हरेसमेंट किया जाता है। मौलाना साहब को शायद जमीनी स्तर पर ना मालूम हो, यहाँ बैठकर बोलना बहुत आसान होता है, जमीन पर काम करना हम जैसे लोग मौलाना साहब आपकी बात बहुत आसान है, ऐसे कह देना बहुत आसान है क्या हुआ कि मौलाना भी पकड़े जाते हैं। रशीदी जैसे मौलाना नहीं, 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 चैनल्स में बैठकर कहेंगे औरत अगर बराबर में खड़ी हो जाएगी तो मन डोल जाएगा, तो फिर आपके किस तरीके के लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सभ्य समाज जानता है, ये पूरी दुनिया में जाता है, पूरा समाज जानता है कि औरत ने कितने बड़े बड़े लोगों की ईमान लगा दी है, ये तो पूरा समाज जानता है, छोड़ दीजिए इस बात को, वो लॉजिक दूसरी है, आपकी आप उस पर बहस नहीं कर सकते मेरे साथ में, और अगर कहीं कमी है तो ईमान खराब करने का सबसे बड़ा जरिया है। दीपा जी देखिए, दीपा जी आपको भी इंटरवीन करना चाहिए, औरत ईमान खराब करने की सबसे बड़ी सबसे बड़ी बुनियाद है। दीपा जी कैसे सुन रही हैं आप, बहस आपकी दूसरी तरफ चली जाएगी, देखिए बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, आप इस पर रहिए, जब भी बात आती है कि मर्दों की मानसिकता गलत है, मर्दों की मानसिकता, अरे भाई एक बात बताइए, आप अदनंगी घूमेंगी तो मानसिकता कहाँ जाएगी, नहीं मानसिकता कहाँ जाएगी, फिर औरत अपनी तरफ नहीं देखती, भाई हम जो है आज बिल्कुल नंगे हो गए हैं तो मर्द कहाँ जाएगा बेचारा, क्या मर्द पट्टी बांध के घूमे, नहीं गलत, ये तर्क गलत है आपका, ये तर्क बिल्कुल गलत है आपका, आप ये कहिए कि औरतों की सभ्यता खत्म हो गई, औरतों के अंदर से वो शर्म हया जाती रही जो उसको औरत बनाती थी, औरत का मतलब पर्दा है, औरत का मतलब शर्म है, आज शर्म गायब हो गई तो ये सारे सारे कांड हो गए। आप पार्कों में देखिए जाकर मर्दों को शर्म आती है, पार्कों में देखिए क्या हो रहा है, मर्दों को शर्म आती है, मेट्रो ट्रेन में देखिए जाकर क्या होता है, बसों में देखिए जाकर क्या होता है, क्या यही सब कुछ होता है, बिल्कुल औरत का नाम पड़ता है राणा साहब, औरत की वजह से ये सब पाखंड हो रहे हैं, लड़का साथ नहीं है, कुछ लड़कियां कर रही हैं वहाँ पर, बिल्कुल क्या घटिया बात करते हो मौलाना साहब, एक औरत के ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं पर औरतों को देखिए साहब, औरतों को देखिए सब दुनिया से भटक रही है, औरतों को देखिए तो ये भटक रही है, ये शायद लड़का साथ नहीं है, आप अपने काम की वजह से औरतों को जागरूक कीजिए, औरतों को भी बताइए कि हम भी अपनी शर्म के साथ अपनी हया के साथ रहे, पहले जमाने में भी औरतें थी वो कैसे रहती थी, वो कैसे रहती थी समझिए उनको, औरतों को समझना पड़ेगा, औरतों को समझना पड़ेगा कि हमें अपनी पिछली परंपरा पे आना पड़ेगा, इसका बेसिक कारण बताता हूँ मैं दोनों धर्मों की, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आप घनश्याम जी सुनिए, मानसिकता को छोड़ दीजिए, मानसिकता क्या करेगी, मानसिकता क्या करेगी, आप सुने मानसिकता क्या करेगी, मौलाना साहब को एक बार सुनिए, औरत नंगी खड़ी सामने हो, मौलाना साहब क्या बात करते हैं, गंदी बात करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, नहीं नहीं आप मुझे बताइए, आप देखिए सुनिए, कोई औरत सामने है मानसिकता उसमें क्या करेगी भाई, और को भी समझना पड़ेगा, देखिए जो है अपने पिछले आचरण देखिए पे आना पड़ेगा, अरे मैं औरत के लिए बोल रहा हूँ, मुझे मैं औरत के लिए बोल रहा हूँ, मैं पहले कह रहे थे, मैं उस औरत के लिए बोल रहा हूँ जो अपने आप को औरत ही नहीं समझती, नंगी खड़ी होगी, अरे भाई मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ, जो कहती मैं मर्द हूँ, मर्दों के सामने बचाना चलती है, ऐसे थोड़ी होता है, आप मुझे बताइए रावत जी, रावत जी आप बताइए क्या समाज यही कहता है, नहीं समाज यही कहता है, अरे भाई स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर आप हाफ पैंट पहन के जा रही है, हमारे यहाँ पहन के जा रही है, सारी जगह मामला खराब हो रहा है, ये समझना पड़ेगा, पंडित सुरेंद्र जी, पंडित सुरेंद्र जी पड़ेगा, पंडित सुरेंद्र जी जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं समझना पड़ेगा, नहीं आप देखिए पर लेकिन समझाएगा कौन, समझाएगा कौन, एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि मैंने चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है, और किसी के हिस्से में मंगाया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं सब सोचता था मेरे हिस्से में, आप देखिए आपके शायर
मुझे ये बताइए पहले बाहर निकाल हमारे सामने खुद बताइए ताजमहल जैसी बेमिसाल। अरे पंडित जी आप बताइए मुझे ऐसा होता कि नहीं होता। शर्म से हमारी मौलाना साहब पहले तय कर लीजिए आप तो महिलाओं को कसूरवार मान रहे हैं। खाली डिबेट परमानंद को क्लीन चिट दे दिया आपने। आपने परमानंद को छोड़ दिया और औरतों को नहीं देखिए अब आपको सुनना पड़ेगा। दीपा जी बोलिए देखिए रसीदी साहब ने दो क्वेश्चन उठाए दो क्वेश्चन उठाए रसीदी साहब ने ध्यान से सुन लीजिए केवल 10 सेकंड के लिए। दीपा जी एक ही उन्होंने उठाया है कि हिंदू में ही ये ज्यादा होता है मुसलमान में नहीं होता है। आप जरा अपने गिरबान में झांक के देखिए 3 तलाक वाला जो मामला है एक बार अगर जो औरत तलाक देती है सुन लीजिए अरे मान क्या धर्म है नहीं उसको तलाक उसको उसको मुसलमान सुन लीजिए संयम रखिए सुनिए सड़के मेरा शो हाईजेक मत करिए। दीपा जी बोले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दीपा जी रशीदी साहब ने कहा कि हाफ पैंट पहन के घूमते ये कौन सी बात है। हम लोग हाफ पैंट पहन के घूमते हैं उससे पुरुषों को आपत्ति है और जो पुरुष सरेआम खड़े होकर कहीं पे भी बाथरूम कर रहे होते हैं बाथरूम जा रहे होते हैं पेशाब कर रहे होते हैं उस समय क्या महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती। देखिए बहुत निंदा करता हूं उसकी बहुत गलत बात है ये जानवर का काम जो खड़े होकर बाथरूम कर रहे हैं जानवर का काम उसको नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे आदमी को पत्थर मारना चाहिए शर्म आनी चाहिए माँ बहनों के सामने ऐसा करना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए कुछ भी उसको कार्य रूप देना बहुत मुश्किल है। नहीं दीपा जी आपको मानना पड़ेगा आपको भी समझना पड़ेगा अगर मर्द समझेंगे तो आपको भी समझना पड़ेगा आपको भी समझना पड़ेगा और आप मानो इस बात को कि हमें अपने आचरण पर भी गौर करना पड़ेगा हमें अपने लिबास को भी देखना पड़ेगा आप मानिए इस बात को आप दो लड़कियों को मैं मानिए इस बात को हाफ पैंट पहनकर जो लड़कियां घूम रही हैं उनको आप दोषी मानते हैं लेकिन जब 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है उसका क्या दोष होता है। दीपा जी बात सुनिए मेरा सिर्फ हाफ पैंट से आगे जाकर देखिए मौलाना साहब ठीक है समझ गया आप क्या समझाना चाह रहे हैं। आप तो नमाज पढ़ती महिला को देखती है तो नियत बिगड़ जाती है समझना चाहिए और मौलाना साहब आसिफ अगर भाई है आसिफ भाई ठीक है एक बार प्लीज क्योंकि सरकार से हमारे पास है कोई उनसे भी तो पूछ रहे ना ये बहस तो चलती रहेगी। आसिफ भाई आपके कहने पे मुकदमे दर्ज हो गए समझ में आ गई बात आगे क्या होने जा रहा है ये भी बता दीजिए क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कहीं ना कहीं कुछ पुलिस या संरक्षण भी हासिल है इसी वजह से डिले हो रहा है ये अरेस्टिंग कब तक हो जाएगी आसिम भाई। तो साहब मुझे बहस देख कर आपकी बहुत हंसी आ रही है जी और मैं गुजारिश करूंगा इतने काबिल लोग बैठा कर मेरे जैसे कुर्सी नहीं चली है कम तर लोगों को कुर्सियां चलती हैं वहां एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं विधानसभा में यहां नहीं फोड़ रहे। अजीब सा मुझे लगा कि बकाजा बैठ रहे वहां से आदमी बैठ रहे बोलिए कम इसमें ज्यादा लगा हुआ है कि कौन ज्यादा काबिल यहाँ और कोई भी अच्छा आसिम भाई देखिए फिर आप बहस से अलग हो जाएंगे आप जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का फिर क्या हो जाएगा पुलिस अपना काम कर रही है गलत बात अच्छा एक बात अपना काम सलूशन तो दे वकार साहब स्वागत है आपका बात सलूशन दे बता रहे चिल्लाने लगते हैं सुन लीजिए बता रहे हैं तो चिल्लाइए आप लोग मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ बोलिए आसिम भाई चलिए रावत साहब सबसे तेज आवाज आपकी नहीं मैं तो आपकी तरह मैं भी सुन रहा हूँ मैं भी नहीं चिल रहा मैं तो आपकी बात बोली थी आपने कहा भाई कैसे चिल्ला रहे मैं कहा विधानसभा से कम मैंने ये कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जैसे माइक उठा को आके सिर फाड़ देते हैं यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है ना साड़ियां तक उतार ली जाती हैं साड़ियां तक उतार ली मैंने ये कहा है कि आप आसिम भाई देखिए अगर सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं होगा फिर यही इसी तरीके की अब बता दीजिए मुझे मैंने बहुत सीधा सीधा जवाब दिया सर बताइए चुटकियां तो आप ले रहे हैं इमाम साहब गलत बोल रहे हैं रशीदी साहब कि उनको नमाज पढ़ती औरत को देखकर तौबा नऊज बिल्ला अल्लाह माफ करे वो कैसी ये कहा है क्या शबनम बताएंगी ये कहा है सर आपके चैनल में स्वागत है सर भाई सुन लीजिए आप अपने सुन लीजिए शर्म आ रही है इमाम साहब के ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं वो आप इसको कहा कि इमाम है कौन से इमाम है मेरी समझ में नहीं आ रहा आप अपना जवाब दे दीजिए ना आप कहां धर्म में घुस रहे हैं
आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, आप बताइए उसको कब पकड़ रहे हैं? कब पकड़ रहे हैं? शबनम जी के जो कह रहे हैं मौलाना जी, आप धर्म के ठेकेदार हैं, आप जवाब दे दीजिए ना, गुंडाग्रस्त हैं। अरे आप ठेकेदार हैं क्या? आप सियासत के ठेकेदार हैं कि जो कुछ होगा करेंगे? मुलायम सिंह खड़े होकर बोलते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, आप ठेकेदार हैं? रेप को बढ़ावा आप दे रहे हैं, आपके समाजवादी दे रहे हैं, आपके नेता दे रहे हैं, जो बच्चों को कहते हैं कि हो जाती है गलतियां, शर्म आनी चाहिए आपको। मौलाना साहब हो गया, ठीक है, आप बोलिए, आप बताइए, आप पकड़ रहे हैं उसको? आसिम भाई असल में ये बहस अलग नहीं, मौलाना साहब उसको पकड़ ही नहीं सकते। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप उसको पकड़ नहीं सकते, मैं लिख के देता हूँ। देखिए पकड़े तो जाएंगे। अच्छा आप बोले दीजिए ना, आप हमारे पड़ोगे रावत जी वो लखनऊ में बैठे तो आवाज तो हो जाएगी ना। अपराध की एक धारा है, अपराध का एक संविधान है, उसका एक कानून है। हमारे कानून में जो अपराध की जो सजा है, जो कानून में धारा मुकर्रर है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए यहाँ आप एक टाइम बता दीजिए कि मैं अदालत में जो कार्रवाई 24 अदालत में जो कानून है, अदालत के हिसाब से पकड़ लेंगे हम। आसिम भाई उसी हिसाब से, आसिम भाई आपसे ठीक है मौलाना साहब ठीक है, पकड़ रहे हैं आप मौलाना साहब। आसिम भाई आपसे ज्यादा उम्मीद इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा किसी चैनल पे आपका फोन लिया तो उसमें आपने अश्योर किया कि सूरज निकलने से पहले मुकदमा दर्ज करेंगे, इसलिए उम्मीद और बढ़ गई। अगले सूरज उगने तक शायद आप कार्रवाई का भरोसा देते, गिरफ्तार कर ले। हम ये करना चाह रहे हैं, हम तो उम्मीद बढ़ा रहे हैं ना सर आपसे। सुन लीजिए सर, बता दीजिए, सुन लीजिए। देखिए वो फरार है अपने आश्रम से, सुबह से अब तलक के 4 से 5 बार छापे डाले जा चुके हैं, उनका रिकॉर्डिंग जो सिस्टम था वो सील किया गया है। अरे वो विदेश चला गया क्या? सील किया गया है। और नहीं ये पूरी तरीके से जो सिस्टम है उसको कि वो आश्रम में नहीं कर दिया गया है, वो कहां भी हो सकता है, वो विदेश नहीं, जहां भी हो सकता है वहां भी प्रदेश में जा रही है। और परमानंद जैसा आदमी चुपचाप बैठा भाई, कहां बीच में बकबक बकबक बकवास कर रहे हैं आप? बकवास आप भी कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कैसे आदमी है आप? जवाब ही नहीं दे पा रहे। जब आदमी को जवाब नहीं बनता शर्म नहीं आती आपको बात करने की? तमीज नहीं आपको? जब जवाब नहीं बनता तो आप क्या रिएक्ट करता है? आप सही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, आप तो क्या रिएक्ट करता है जब जवाब नहीं बनता? आप करवा लेंगे उसको? आप इमाम अपने को कहला रहे हैं? आप ये कहिए कि हमारे अंदर सामने वाला बात पार्टी बात बता सके? ऐसी गंदी भाषा इमाम इस्तेमाल नहीं कर सकता कि नंगी औरतें आके खड़ी हो जाती हैं। आप बता ही नहीं रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप इधर उधर भाग रहे हैं। आपको कभी मेरे अंदर बुराई नजर आती है, कभी रावत जी के अंदर बुराई नजर आती है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, कैसे आदमी है? सवाल का जवाब दे दीजिए ना। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, हम सारी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आसिम भाई देखिए, मुकदमे दर्ज करना शायद बहुत इजी था आपके लिए, तो आपने दर्ज कर दिए और एक फोनो पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आपने बैठा के वो सारी बातें कर दी, अश्योर कर दिया, वादा भी पूरा कर दिया। गिरफ्तारी करना वाकई शायद मुश्किल है, इसीलिए डिले हो रहा है, मैं इसे ऐसे समझ पा रहा हूं। मुकदमे दर्ज करना बहुत आसान था, वो आपने कर भी दिया, पर वो इतिश्री नहीं है सर, वो काम खत्म नहीं हुआ। जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए प्लीज, मौलाना साहब प्लीज जवाब लेने दीजिए। आसिम भाई देखिए, जो भी संज्ञान में लेकर अब्दुल हमीद जी ने, एसपी हमारे जो बाराबंकी के हैं, उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर इसको मुकदमा दर्ज किया है। और जो धाराएं बनती थी, एक धोखाधड़ी का जो उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है वो है 420, दूसरा 68A1 आईटी एक्ट जो हमारा है, जो वीडियो जारी हुआ है उसके आधार पर जो हुआ है। अब मैं समझता हूं कि जो भी लोग हैं भुक्तभोगी, अभी लोग आएंगे आगे, अक्सर ऐसा होता है आश्राम वाले मामले में देखा हुआ आपने कि धीरे धीरे लोगों ने फिर निकलना शुरू किया और रिपोर्ट लिखाना शुरू की है। मुझे यकीन है कि इसके खिलाफ भी बहुत सी महिलाएं आएंगी, बहुत से लोग आएंगे, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनके सबके रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उनमें
दबाव में तब्दीली की जाएगी। छोटा सा अरेस्ट भी होगा, ये जेल भी जाएगा। ठीक है आसिफ भाई, बहुत छोटा सवाल जुड़ता है, जब ये फल फूल रहा होता है पूरा धंधा, तब वो आंखें बंद क्यों करने जाती है? आपकी इंटेलिजेंस जो इनपुट होते हैं क्या वो आपको नहीं मिलते? देखिए ये एक प्रदेश का या एक शहर का मामला नहीं है सर, आप यूपी की बात की मैं बता दूं आपको अभी की। एक पंजाब में आज एक मामला आया कि एनआरआई महिला के साथ, वहाँ एक बाबा ने एक बलात्कार तो किया, राजस्थान पहुंच जाते हैं इस तरह के मामले। ठीक है डॉक्टर एच एस रावत, आप जवाब क्या देंगे मुझे इस मुद्दे पे? डॉक्टर एच एस रावत, मौलाना साहब का कहना है कि महिलाओं को देख के नियत बिगड़ जाती है, तो परमानंद के केस में भी बेचारे परमानंद की कोई गलती नहीं थी, असल में जो सारा बड़ा कसूर है उन महिलाओं का है। असल उपाध्याय जी, ये भी कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी होती है, इमाम साहब के अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार के संस्कार हैं ही नहीं, जिस प्रकार की अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो बड़ी निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं संस्कारों का मामला आता, जो अभी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे कि आपके यहाँ पर संन्यास परंपरा है, हमारे यहाँ नहीं है। अरे संन्यास लोगे तो सीखोगे ना कुछ लोग, आप इस तरह से इतने बड़े संस्कार के ऊपर आप महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आपके ये शोभा नहीं देता आपको, और इमाम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता, ये गलत है। माँ बहनों की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने हमें पैदा किया है, लेकिन पहले औरतों में होते थे। नहीं नहीं, पंडित जी बैठे हैं, बताएं जो भाषा या शोभा क्या होता था, और एक इमाम के तौर पर धर्मगुरु के तौर पर ये निंदनीय भाषा है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। आप यहाँ मौलाना साहब को जितना समझ पा रहा हूँ, तो उनका कहना है कि अब वो महिला अगर आपके धर्मकार नहीं है तो सीखने कम से कम, आपको गलत बोलना है, आप उसको गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो महिलाओं का मतलब ये है कि आपके पास आया ना सर मौका दिया, बेनीवाल साहब बकौर रशीदी साहब, अब महिलाएं वैसी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ महिला, वो वाली महिला अब नहीं रही। वो कौन सी महिला थी पहले, के पंख वंख थे? ये डिबेट को महिलाओं की बात तो कहा जा रहा है, आपको बताता हूँ हर धर्म में, हर हर धर्म में, अरे हर धर्म के अंदर गंदा। देखिए हमारे हिंदू धर्म कहाँ गए आपके संस्कार? मैं अपनी सारी बात ये बनती है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एक परमानंद बनता है तो हमारे वैदिक काल से हम संतों को गुरु मानते हैं, गुरु नहीं हम भगवान मानते हैं, और भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये कलयुग है, वो सतयुग के अंदर होता था, सतयुग के बाद त्रेता आया, द्वापर आ गया, अब कलयुग है। कलयुग के अंदर मैं सबसे निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका यूपी का पूरा चैनल है, और यूपी में ही मथुरा से लेके और काशी तक, और हर कोई वहां पे धर्माचार्य बैठे मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में हम मनुष्य को गुरु रूप में भगवान मानते हैं। आप कलयुग में भगवान ना मानिए, अपनी पूजा स्वयं कीजिए, ना जाइए इन आश्रमों में, नहीं जा रहे, कैसा आचरण मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? आप मेरी बात मान लीजिए, और औरतों महिलाओं को खासकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में बैठ के तो जो राम राम जो शाम शाम कर सके। आसिम भाई को जोड़ रहे थे, फिर मैं आ रहा हूँ, आसिम भाई आपको जोड़ रहे थे, आप असल में दूर है तो इंक्रोचमेंट हो जा रहा है आप पे भी। आसिम भाई क्या जोड़ रहे थे आप? मैंने कोई इंक्रोचमेंट नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए हम लोग सब समाज का हिस्सा है, हम लोग जब 10 लोगों के बीच में बात करें और हमारी बात को आवाम सुने तो हमें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात। ये कहना कि पहले की महिलाएं, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, इन्होंने कह दिया कि आज की महिलाएं पहले महिलाएं जैसी नहीं है, वो शर्म हया की बात की, तो मैं कहूंगा आज भी महिलाएं उतनी ही शर्मदार हो, उतनी अच्छी है जितनी पहले हुआ करती थी, हमारी शायद नजर बदल गई है। तो मौलाना साहब के दिमाग में जैसी बात बैठी है होगी तो वही बाहर निकलती है। जो नंगा नाच आप कराते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं को नचाते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, सफाई में सफाई में महिलाओं को नचाते हैं आप, क्या यही शर्मदारी है? सफाई में हजारों महिलाओं को नचाते हैं, बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए। आसिम आप देखते हैं शर्म आनी चाहिए, आप देखते हैं है। अरे आपको कैसे पता, आपने अगर नहीं देखा है टीवी लाइव चलता है, आप देखते ही नहीं देखते, आपने देखा कि नहीं देखा, आपने देखा कि नहीं देखा,
घनश्याम जी मुझे 1-to-1 कर एक मिनट ठीक है, एक 1-to-1 सिर्फ एक मिनट का आसिम साहब, मौलाना साहब, साजिद साहब कहां देखा आपने महिलाओं का नाच? टीवी पे, सेफाई में टीवी पे हर कोई देखता है। तो आप देखते क्यों अगर इतने शरीफ आदमी है आप? क्या चीज, आपको शर्म नहीं आती देखते हुए? मुझे शर्म आती है इसीलिए कह रहा हूँ कि आप भी शर्म करो। मुझे शर्म आती है इसीलिए कह रहा हूँ आप भी शर्म करो। आप महिलाओं को नंगा मत नचाओ, शर्म करो। सेफाई का प्रोग्राम आप ऐलान करो टीवी पे, सेफाई का प्रोग्राम नहीं करेंगे साहब। पंडित सुरेंद्र जी महिलाओं को सम्मान दो, आप लोग उस तरफ से नहीं मिल पा रहे, महिलाओं को सम्मान दो। हो गया हमारी मां सर, हो गया ये वो, ये तो बहुत सम्मान मिल जाएगी। पंडित सुरेंद्र जी सम्मान आपके ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो पंडित सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा सारी सुनने दीजिएगा। बिंदा साहब प्लीज प्लीज, देखिए कोई संयम से आपको सुन रहा है, मौका नहीं दे रहे हैं क्या आप? सही हां, मैं आपकी पंडित सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पंडित उपाध्याय जी, कही आपके मौलाना साहब को मुखातिब करते हुए इनके के हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय में नजरों से का भी रेप रेप ही माना जाता है, भाव प्रधान है, तो कहाँ ऐसी बात है? और जहाँ तक ये जो नहीं, सच्ची बात है ना, आपने सही बात कही है जी मौलाना जी, बिल्कुल है। तो नजर का भी पड़ता है, नजर का भी पड़ता है। मैंने जो अध्ययन किया मुस्लिम, नहीं सच्ची बात कही आपने है जी, अब कहाँ गुंजाइश है गई? तो नाच देख, अरे भाई जो हमारे बादशाह जो हमारे नेता जब लोगों के सामने सफाई जैसे प्रोग्राम करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो रियाया है इनकी, बहुत प्रेरित होते हैं, हमें रियाया है उसे, हमें शर्म आती है कि हमारे बाद देखिए, हमें शर्म आती है हमारे बादशाह ऐसे देखिए। देखिए ये डिबेट जब शुरू की थी तो हमारे लिए विलेन के तौर पे परमानंद था, लेकिन डिबेट के आखिर आते आते मौलाना साहब विलेन हो गए। ये गलत देखिए आप बच्चे सलमान खान और शाहरुख खान का नाच देखे, सलमान खान की शर्ट उतरी भी देखे, मौलाना को सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो समाजवादी पार्टी से है, ये साबित करता है कि मौलाना भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह की किसी संस्था के एक दिन में नहीं बनता, मैंने पहले भी कहा परमानंद कोई एक दिन में नहीं बनता, क्या विचार बढ़ते बढ़ते ही परमानंद बनता है? लेकिन एच एस रावत साहब, अरे घनश्याम जी आ रहा हूँ, खाली इतना पूछ लीजिए कि मौलाना के घर में टेलीविजन मौजूद है तो उस पे सलमान खान की नंगी बॉडी भी दिखाई जाती है, शर्ट उतार कर होना गुनाह नहीं है, भी दिखाई जाते हैं, टेलीविजन का होना गुनाह नहीं है, महिलाएं भी देखती होंगी, टेलीविजन पर गलत घर के बच्चे भी देखते होंगे, इनको खाली सफाई से प्रॉब्लम क्या है? बाकी लोग इनके सामने नाराज करें तो सब कुछ है, आपके यहाँ तो सब कुछ है, आप तो टीवी अदाकारों को बुलाते हैं अपने घर में, बुलाते हैं नेताजी बुलाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप विद फैमिली बैठ कर देखिए, समय कम हो जाएगा, ठीक है समय कम हो रहा है, बहुत नहीं 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 ऐसे प्लीज आसिम भाई, ठीक है आसिम भाई, डॉक्टर रावत 5 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मौलाना साहब मौलाना साहब ऐसे नहीं करेंगे, नहीं वो क्यों मेरे ऊपर इल्जाम कर दिया मौलाना साहब, मैं तो पूरा जर्नलिस्ट हूं, दुनिया भर के प्रोग्राम टीवी भी देख रहे हैं, दुनिया भर के नाच गाने टीवी पे देख रहे हैं, आपको सिर्फ सफाई से प्रॉब्लम क्या है? कैसे सुधारेंगे अब तो फुल मौका दिया मैंने आपको आसिम भाई, ठीक है अब सब रखिए सर प्लीज, रावत जी 5 सेकंड में कैसे हम समझ जाए कि ये आदमी धूर्त है और ये आदमी बहुत सच्चा है? 5 सेकंड आम टीवी के ऊपर दिखाई देते हैं और एड जिनकी चल रही है इस प्रकार की, जो पर्स लेकर के खुलवाते हैं वो पाखंड की श्रेणी में आते हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। पंडित सुरेंद्र जी कैसे समझ जाए कि जिस तरह भगवा पहना है वो बहुत अच्छा है? विवेक से, अपने विवेक से, स्त्री और पुरुष समाज अपने विवेक से हरेक को गुरु बनाना, हरेक का फॉलो करना, राधा मैया बना लेना या कोई वो पुरुष को, अपने विवेक से अपने कॉन्शियस से जमीन से जो सत्य का मार्ग दिखा, तो हालांकि कह दिया ये किसका अलयुग है और उम्मीद करना बहुत बेमानी सा होगा और गुंजाइश है किसी की भी बहकने की, लेकिन फिर भी कैसे ना बहका जाए?
घनश्याम जी देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आज तक बता रहा हूं मैं आप बड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन उसकी मैं परिभाषा बता रहा, क्वालिफिकेशन संत की क्या होती है। संत की क्वालिफिकेशन हमारे शास्त्र में लिखी है, क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसका मतलब क्षोत्रिय का मतलब पूरे शास्त्र वेद का ज्ञाता हो, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब भगवान से साक्षात मिला हो। ये क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन किसकी है मुझे बताइए। यही कह रहा हूं ना, वो दिया लेके ढूंढेंगे नहीं मिलेगी। मनुष्य को भगवान ना मानिए, जो भी तंत्र मंत्र का काम करे सरकार को चाहिए उसको उठा के बंद कर दे, जेल में डाल दे, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। महिला ही नहीं, पुरुषों को भी अवेयर रहना चाहिए किस तरीके की उनकी गतिविधियां हैं, हमसे कैसी बात कर रहे हैं, कोई गंदी या ओछी हरकत वाली बात कर रहे हैं तो सीधे पुलिस में कंप्लेन करा। दीपा जी क्या हो, कैसे समझ में आया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ये सारी चीजें होने लगी और टारगेट देखिए महिलाएं। देखिए बहुत कुछ अभी पीछे पास्ट में हुआ है, लोगों को समझना चाहिए। जब भी कोई गुरु बना रहा है, किसी के आश्रम में जा रहा है, पहले उस इतिहास को देख लीजिए कि कितने बाबा भी जेल में हैं, कम से कम उनका इतिहास देखकर इस चीज की छानबीन करें। दूसरी चीज, दत्तात्रेय ने 13 गुरु बनाए थे, एक से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं गुरु को भी छानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो प्लीज अगर आपको गुरु बनाना ही है, अगर आपको गुरु बनाना ही है तो उसको उसकी पात्रता, यानी अपने विवेक का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत शुक्रिया बिग बुट में जुड़ने के लिए। लेकिन जो राय निकल के सामने आती है उसमें कई लोगों ने महिलाओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी की और यहां तक कह दिया गया अब महिलाओं में वो पहली वाली बात नहीं है। वो बात कौन सी है, ये बहुत गहराई वाली बात है, आप खुद समझ सकते हैं क्या समझाने की कोशिश की गई। बिग बुट देखने का आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार, शुभरात्रि।